हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। चेहरा पे थोड़ा धूप आ रहा है, इस वजह से आँख खोलने में तकलीफ हो रहा है। आज हम लोग इटर्निटी रिजॉर्ट पतरातू जाने वाले हैं। सुना है काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है पतरातू में रिजॉर्ट ये, और पिछले सप्ताह मेरा एक दोस्त गया हुआ था, मिलता है और मेरे साथ, और आप लोग इन्जॉय कीजिए। ठीक है, मिलते हैं गाइस। अब स्कूटी पर सीधा आप लोग को। अरे व्यू पॉइंट अभी आ गया है। गाइस, सौरभ भी अभी स्कूटी बंद कर दी है ताकि हम लोग अपना पेट्रोल ही बच जाए और आराम से धीरे धीरे हम लोग नजारा देखते हुए जाएं, क्योंकि भाई ऐसा है ना कि उधर से आने में हमें बहुत ज्यादा पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए अगर थोड़ा भी बच गया तो हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी गाड़ी में फिलहाल ज्यादा पेट्रोल है नहीं। ऐसा ऐसा छोटा छोटा है, आप लोग भी करते रहिए गाइस और इधर देखते रहिए। अभी हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। ये नजारा देख के क्या ही बोला, ज्यादा खर्च करने से कोई फायदा है नहीं। गाड़ी खुद जो है ना 100 के पार हो जाती है, ऐसा साला स्पीड है गाइस, 40 के स्पीड पे तो ऐसा ही गाड़ी नहीं। पहले तो हम लोग खुद वीडियो बना रहे हैं अपना, मस्त आएगा, डेमो दिखा दे। तो गाइस देखिए, यहाँ पे भैया फोटो खींच रहे। डीएस कौन सा कैमरा है भैया? निकॉन कैनन मार्क टू। अच्छा, देख लीजिए भैया को, किसी को अगर फोटो खिंचवाना हो खींच के फोन में देंगे। अरे भाई, हम लोग कहाँ बोले थे खींचने के लिए, डेमो दिखा रहे हैं। अच्छा, किसी को अगर खिंचवाना हो तो 5 रुपया दे के फोटो निकलवा सकते हैं यहाँ पे, और क्या। ओके, वीडियो बना सकते हैं। वीडियो तो फ्री में बनता है भैया। यहाँ पे गाइस व्यू पॉइंट है यहाँ पे पतरातू वैली का, अच्छा फोटो देते हैं, यहीं से देख सकते हैं। लेक दिखना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे छोटा मोटा स्टॉल भी लगा हुआ है फूड का, अगर किसी को खाना हो तो खा सकते हैं। सोविनियर्स भी है लेने के लिए, तो देख लीजिए गाइस, सौरभ ये चढ़ नहीं पा रहे हैं ऊपर। पहाड़ वहाड़ पीछे वैसे ही लग रहा है एकदम, शायद उसमें शेर वेर हो सकता है। नहीं नहीं, शेर नहीं होगा, सौरभ ये तो एकदम शेर के पीछे ही पड़ गए हैं। नहीं, शेर नहीं है तो शेर पहुंचाओ तो इनका ही कहना है। हाँ, शेर नहीं तो काहे नहीं है, शेर क्यों नहीं है, शेर ला दो, रखो शेर, लेकिन हमको शेर चाहिए। बस देख रहे ना गाइस, अगर 100 रुपया का बाप पे अगर कोई शेर ला के रख दिया यहाँ, हमको मान लिया जाए वन विभाग शेर छोड़ दिया, तो आदमी पतरा तो कैसे घूमेगा बताइए। देखो भाई, हमें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि साला यहाँ पर एक भी कुत्ता नहीं दिख रहा है। जहाँ शेर होता है वहाँ साला कुत्ता नहीं होता, हमें लगता है, हमें इसी वजह से लग रहा है कि शायद यहाँ पर शेर हो सकता है। 100 रुपया का लॉजिक गाइस, कि जहाँ शेर होता है वहाँ कुत्ता नहीं होता है, लेकिन आदमी होता है जहाँ शेर होता है। अरे भाई, इंसान तो हर चीज को बस कर सकता है, शेर हो हाथी हो कोई सा भी। आप समझ गए, पतरातू वैली बंद करवा के रहेंगे, चाहते हैं कि आदमी ना घूमने आए। अरे भाई, घूमने आए शेर से भी दर्शन वैली समाप्त हो गया। अरे भैया, उसके लिए नेशनल पार्क है, जंगल सफारी कीजिए, शेर से दर्शन करना है तो भाई खुले में। अब शेर को साला बांध के रखेगा तो क्या कर सकता है तू, कुछ भी। शेर से जंगल सफारी कीजिए, नेशनल पार्क में जाइए, जंगल जैसा होता है। शेर से अगर मिलना हो तो साला खुले में मिलो। अरे तो खुले में तो बोल रहे, जंगल सफारी में क्या आपको बंद में थोड़े ना मिलता है शेर। देखिए एक छोटा सा नदी बह रहा है, तो कहीं 100 रुपया रिजॉर्ट में बोल रहे हैं कि अगर वो कोई दिखेगा नहीं, ये घुसेंगे भी नहीं, और क्या, फोकट का पैसा थोड़ी देंगे, जब तक भीड़ ना लगे तो साला मजा। सौरभ, छोटा सा कोई नदी बह रहा है यहाँ पे, नाला टाइप रिजॉर्ट में आ गए हम लोग, एंट्री करेंगे अभी। ओपन है ना भैया, ओपन है ना, ठीक है। अभी नहीं आएगा ज्यादा, पता नहीं आएगा कि नहीं, मतलब आ रहा है कि नहीं वो हम पूछ रहे हैं। आ रहा है, एक दो दिन से शांत है थोड़ा, ज्यादा अच्छा, नहीं आ क्यों पता नहीं। अच्छा, और कितना है पोल का? 500 पर पर्सन पर आवर, पर आवर 500। अच्छा,
और क्या क्या है, बार भी है। तो गाइज अभी हम लोग नहीं यहाँ पे पूल एक्सेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पे कोई ना तो क्राउड है, ऊपर से धूप भी बहुत है, तो पूल एक्सेस करने का कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे रूम बने हुए, टेंट बने हुए हैं, इसमें फैमिली रह सकता है। अभी हम लोग पूछते हैं कितना लगता है, नहीं लगता है क्या भैया? सौरभ भी अपना फोटो शूट करने में बिजी है, फोटो शूट चेक करने में। आपके साथ कल सुमित भैया हैं। हाय बोल दीजिए भैया। हाय सुमित भैया, ये हम लोग को रूम दिखा रहे हैं। अगर किसी को स्टे करना हो तो आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं। काफी देख सकते हैं गाइस, ये काफी अच्छा रूम है। कितना प्राइस होगा भैया इस रूम का? 6500 है। अच्छा, और डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा, तो भैया बता रहे हैं कि इस रूम का प्राइस हो गया आपका 6500 हो जाएगा और डिस्काउंट भी है, वीडियो देख करके डिस्काउंट भी हो जाएगा। एक लोग के लिए या कपल के लिए काफी अच्छा रूम है, वन नाइट के लिए ना भैया? अच्छा, वन नाइट के लिए 6500 है। इधर से पर्दा हटाइएगा तो पूल भी यहाँ से आपको अच्छा दिखेगा और इधर से पूरा रिजॉर्ट का व्यू आएगा, सामने पूरा रिजॉर्ट का व्यू आएगा, पहाड़ भी अच्छा खासा दिख रहा है इधर से। ये वॉशरूम है क्या भैया? लाइट गाइज, ये वॉशरूम देख सकते हैं यहाँ पे है। वॉशरूम भी काफी स्पेसियस वॉशरूम है, गीजर भी है लगा हुआ, शॉवर भी अच्छा खासा स्पेस है वॉशरूम में, सामने शीशा भी है। तो गाइज ओवरऑल काफी अच्छा रूम है, वॉशरूम में भी अच्छा खासा स्पेस है और टीवी भी आपको मिलेगा एक बढ़िया देखने के लिए, देख सकते हैं। एक छोटा सा फ्रिज भी है सामने, कवर्ड है, फ्रिज है और दो आदमी को बैठने के लिए सोफा भी है। और पीछे अगर कुछ सामान रखना हो तो कवर्ड भी है, टेलीकॉम भी रखा हुआ है यहाँ पे गाइस। और अगर इधर से देखे तो पूरा आपको जंगल दिखेगा। तो ओवरऑल काफी अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा, यहाँ पे मजा भी आएगा। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुनील है सर। अच्छा भैया, सुनील ना है, स्टाफ है ये भी यहाँ के? हाँ स्टाफ है यहाँ का। अच्छा, अभी बर्थडे उडे मनाना हो तो कितना चार्ज लगेगा? बर्थडे वगैरह का चार्ज उसके ऊपर है, आप जितने लोग आ सकते हैं। अच्छा, जितने लोग रहिएगा, मान लीजिए अगर 10 लोग को ला रहे हैं, 10 लोग को ला रहे हैं अगर एरिया अपना बुक करना चाहते हैं तो उसका अलग चार्ज लगेगा। अच्छा, कितना फिर है? जिस एरिया को आप चूज करते हैं, पूल एरिया को एक्सेस कर रहे हैं तो क्या लगेगा? पूल एरिया को वही 10,000। 10,000 जी। अच्छा, और क्या क्या इधर एरिया? हमको तो बस पूल ही नज़र आ रहा है। पूल है, आगे रेस्टोरेंट है सामने में। अच्छा, रेस्टोरेंट का क्या है? रेस्टोरेंट का ऑर्डर पे आप खा सकते हैं, जो भी ऑर्डर है आपका। अच्छा, तो भैया आप बता रहे हैं कि अगर पूल एक्सेस करना है तो 10,000 के आसपास है? नहीं, पूल एक्सेस नहीं, ऐसे पूल का चार्ज मतलब पूल में अगर 500 पर पर्सन है 1 आवर के लिए। अच्छा, पूल एक्सेस का चार्ज है। अच्छा, और अगर आप ऐसे ही केक कटिंग करना चाहते हैं 10 मिनट 15 मिनट केक कटिंग करके आप हटना चाहते हैं वहाँ से, अच्छा डिनर की जगह आप वहाँ पे जाकर रेस्टोरेंट में, हाँ तो उसका कोई चार्ज नहीं है। अच्छा ठीक है, थैंक यू भैया। ये पूल एरिया है, यहाँ पे आप पूल एक्सेस कर सकते हैं मस्त। यहाँ से सामने जंगल का व्यू आ रहा है, छोटा पूल भी है। अच्छा, तो ये गाइस रेस्टोरेंट है यहाँ का, कुछ नहीं आके डाइन कुछ नहीं है, कुछ अवेलेबल ही नहीं है भैया? क्यों, खाना भी नहीं?
खाना मिल जाएगा। अच्छा, वो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक नहीं अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन इधर से अच्छा खासा दिख रहा है व्यू, ठीक ठीक ठाक है, चलेगा।